सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत अड़सठवें सालाना संत समागम के अवसर पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दिल्ली के इन्हीं मैदानों में जहाँ पर बरसों बरस इसी प्रकार का भव्य रूप बनता है, जहाँ सभी श्रद्धा भक्ति भावना से युक्त होकर देश के हर कोने से, विश्व के अनेकों मुल्कों से यहाँ पर चलकर आते हैं, और एक ऐसा स्वर्गमयी सुंदर रूप यहाँ पर स्थापित किया जाता है, जहाँ पर प्यार के तराने सुनाई देते हैं, जहाँ पर संसार भर के लिए भलाई की कामनाएं मिल बैठ कर की जा रही होती हैं, जहाँ पर वलियों गुरु पीर पैगंबरों का संदेश उसको अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से इस समागम पर भी उसी भाव से युक्त होकर आप हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके हों, रेगिस्तानी इलाके हों, या कोई टापू हों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कोई भी रीजन हो हिंदुस्तान का, सभी जगहों से यहाँ पर भक्तजन पहुँचे हैं, और विश्व के भी अनेकों मुल्क, चाहे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट हैं, तो सभी जगह से नुमाइंदगी हुई है इस समागम पर भी हमेशा की तरह। तो यहाँ सभी मिल बैठकर जहाँ अपनी भक्ति निभा रहे हैं, वहाँ पर ये उत्तम संदेश भी दिया जा रहा है, जो इस समागम की मुख्य थीम रखी गई है, द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस। दिस थीम वॉज अडॉप्टेड व्हेन अ यूथ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन कैलगरी कैनेडा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। So that very theme has been carried forward and adapted in this samagam too. तो ये एक दीवारों के बगैर ये संसार हो, इसकी केवल कामनाएं नहीं की जा रही भक्तों के द्वारा, ये साथ साथ याद करा रहे हैं वो पैगाम जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने दिए थे, वो सारे संदेश मैसेज पैगाम, वो सारे के सारे दीवारों के बगैर संसार के स्थापन के रूप में ही थे। हज़रत ईसा मसीह जी ने क्या दीवारें चाही थी? नहीं। हज़रत मोहम्मद साहब ने दीवारें चाही थी? नहीं। राम जी ने दीवारें चाही थी संसार में हो, जगह जगह पर इंसान और इंसान के दरमियान? नहीं चाही थी। और ना ही भगवान कृष्ण ने, ना ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, किसी भी वली गुरु पीर पैगंबर ने हरगिज़ नहीं चाहा कि संसार बटा हो, ये एक फ्रेगमेंटेड हो, टुकड़ों में हो, इस तरह से टकराव हो, एक दूसरे पे जुल्म किए जाएं, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रवैया हो, एक दूसरे को बर्दाश्त ना किया जाए। किसी भी पैगंबर का ऐसा कहीं पर भी संदेश पढ़ने सुनने को मिलता है क्या? अगर नहीं है तो फिर उन्हीं के मानने वाले पैरोकार आखिर क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्यों इंसान दूसरे की
भाषा और उसके पहरावे और उसकी मान्यता बर्दाश्त ना करके उन पे जुल्म किए जाते हैं, क्यों जाति पाति की दुहाई देकर एक दूसरे को निचोड़ा जाता है, एक दूसरे पे जुल्म किए जाते हैं, एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखा जाता है और उसी अनुसार व्यवहार किया जाता है, तो एक कैसी विडंबना है कि एक तरफ उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों के प्रति आस्था जताई जाती है और तमाम सोच और ख्याल और उसूल वो बना लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही उनके विपरीत होते हैं, जो किसी पैगंबर की शिक्षा के अनुसार नहीं है, और फिर भी एक दावे किए जाते हैं कि वो सच्चे मायने में धार्मिक हैं, वो सच्चे मायनों में इबादत करने वाले हैं, वो प्रस्तिश और बंदगी करने वाले हैं। तो इस तरह से ऐसे दावे ये इंसान करता चला आ रहा है, दशक क्या सदियां बीती चली जा रही हैं, इंसान की ये नफ़रत वाली भावना डाइल्यूट होने की बजाय ये और ज़्यादा तीव्र रूप और ऐसा घिनौना रूप धारण करती चली जा रही है। 21वीं सदी में पहुंच गए जहां पर ये सोचा गया कि बहुत एजुकेशन, बहुत डेवलपमेंट, बहुत अवेयरनेस, इसके कारण इंसान की सोच में बदलाव आएगा, वो रियलिस्टिक होगा, वो रैशनल होगा। तो किसी लिहाज से भी ना गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाओं के लिहाज से और ना ही इस प्रगति के बावजूद, इस एजुकेशन के बावजूद इंसान का म्यार गिरावट की ओर ही नज़र आता है। इसीलिए हम इस मुल्क में भी देखते हैं कि मुद्दे बनाकर दंगे फसाद, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफ़रत के बीज बोकर इस तरह से एक लहूलुहान धरती को किया जाता है, और विश्व में भी देखते हैं कि यही कुछ हो रहा है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, सभी ने न्यूज़ सुनी होगी पेरिस में किस तरह से एक नरसंहार किया गया। तो ये केवल एक मुल्क की बात नहीं है, ये जगह जगह के ऊपर इस तरह की नफ़रत की आग में जलने और जलाने वाले ये हमें नज़र आते हैं। तो आज जो संदेश दिया जा रहा है इस समागम पे और जो संतों भक्तों का संदेश सदैव रहा है वो यही रहा है कि हम तज दें ये नफ़रत के भाव, जैसे शायर ने कहा है, नफ़रत का भाव ज्यों ज्यों कम होता चला गया मैं त्यों त्यों इंसान होता चला गया, कि ज्यों ज्यों नफ़रत का भाव कम हुआ मेरी सच्ची मायनों में इंसान होने वाली पहचान बनती चली गई। जब तक ये नफ़रत का भाव था मैंने इंसान होने वाले अपनी पहचान ही खो दी थी, इसीलिए मुझे ही शैतान और हैवान कहा जा रहा था, और मैंने अब नफ़रत तज दी, नफ़रत का दामन छोड़ दिया, अब मैं सही मायनों में प्रभु परमात्मा की वो उत्तम रचना के रूप में अब मेरा वो असल रूप सामने आया है, अब मेरी इंसान होने की पहचान बन गई है, अब सही मायनों में मैं सच्चा धार्मिक हुआ हूँ। उससे पहले मैंने धर्म का ही आधार लेकर हैवानियत और शैतानियत वाली चाल चली, लेकिन अब मेरी चाल मानवता वाली है, अब सही मायनों में सच्चे धार्मिक होने वाली पहचान मैंने बनाई है। तो इसलिए नफ़रतों का दामन छोड़ना और प्यार का दामन थामना, प्यार से अपने जीवन को सजाना, प्यार से इस जहान को संवारना,
ये वास्तविकता में इसी को ही जागरूकता कहा जाता है, इसी को ही समझदारी कहा जाता है, इसी को ही ट्रू रिलीजन कहा जाता है, इसी को ही इंसानियत कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आज इसी पे आधारित भक्त जन ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि हे इंसानों, ज़रा गौर करो, आज भी आपने बहुत उत्तम भाव श्रवण किए जब से ये सत्संग चल रहा है, दोपहर बाद से ही यहाँ पर उत्तम वचन श्रवण करने को मिले हैं अनेकों भाषाओं में, और बच्चों, जवानों, बुज़ुर्गों की ज़ुबान से, और लगातार यहाँ पर इसी एक भाव को और मजबूती दी जा रही है, इसी का ही बयान दिया जा रहा है कि हर इंसान, हर मानव इस ओर अग्रसर हो। समय की रफ्तार अपनी है, समय हाथों से निकलता जा रहा है, ये किसी के लिए रुका नहीं है। इंसान ही कहीं ना कहीं इसकी यात्रा रुक जाती है, समय अपनी रफ्तार से चलता चले जाता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि समय रहते हुए इंसान तो अपने मुख को उस ओर कर ले, समय रहते हुए ही जागरूकता को प्राप्त कर ले, समय ही रहते हुए तो इस गफलत की नींद से उठ जा, समय रहते हुए ही तो अपनी सोच और भावनाओं को वो उड़ान दे दे, वो ऊंची उड़ान उस कीचड़ में जो तो धंसा हुआ है उससे इन श्वासों के होते हुए उभर जा। ये बोझ जो उठाए चल रहा है इन श्वासों के होते हुए इस बोझ को उतार दे। बोझ तेरी आत्मा भी उठा रही है, जन्मों जन्मों के बोझ, और इस जीवन काल में भी तू कितने प्रकार के ये बोझ ही हैं, वैर कह लें, ईर्ष्या कह लें, लोभ लालच कह लें, घृणा कह लें, ईर्ष्या हवस कह लें, ये सारे बोझ ही हैं, उठाए फिर रहा है। तो इसको अपने सर से, इस गठड़ी को उतारने की ज़रूरत है, इससे निजात पाने की ज़रूरत है। और अगर प्यार की बात करें, प्यार को अपनाने की बात करें, तो प्यार बोझल नहीं है, नफ़रत बोझल है। तो इसलिए प्यार को ही तू इकट्ठा कर, प्यार से ही युक्त हो और प्यार ही बांटता चला जा, प्यार की दौलत देता चला जा। और ये सच्चे प्यार वाले, सच्चे इश्क वाले जो इस नाम के रंग में रंगे होते हैं, जो इस सच का बोध हासिल कर लेते हैं, वो कभी भी नफ़रत का भाव मन में लाते नहीं हैं, वो हर उस दीवार को गिराते चले जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में किसी ने कहा है कि लव रिकग्नाइजेस नो बैरियर्स, लव doesn't recognize any barrier, there is no barrier for love, it jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls. So those who are full of love and compassion, they do not recognize any wall, casteism doesn't divide them, they don't have ill feeling for those who do not belong to their culture, who do not speak that language which they themselves speak. So there is no barrier, they do not recognize any barrier, they do not give way to casteism, creed, nationalities, cultures. They only have a human feeling
and they consider others as their fellow beings. The spark in the form of soul which resides in everybody, that's what they recognize. They do not recognize any barrier. तो इस प्रकार से ये प्यार का जहान बसाने की बातें हो रही हैं, इस धरती को सजाने की बातें हो रही हैं, इस घुटन से निजात पाने की बातें हो रही हैं, ये भय वाले वातावरण से उभरने की बातें हो रही हैं, यहाँ मिलवर्तन की बातें हो रही हैं, समीपता की, नज़दीकत की बातें हो रही हैं, यहाँ ब्रिजेस की बातें हो रही हैं कि पुल बनाने हैं, पुल बनना भी है, बनाने भी हैं, हमने खुद भी पुल बनना है और बनाने भी हैं. वी आर सेल्व हैव टू बिकम ब्रिजेस एंड वी हैव टू बिल्ड ब्रिजेस, नॉट इरेक्ट वॉल्स. हमने खुद पुल बनना है, हमने वो जरिया बनना है इंसान को इंसान के करीब लाने का. एक कैटलिक जैसे एक होता है, वो वास्तविकता में एक ऐसा साधन बनता है जो जोड़ता है. तो इस तरह से हम भी वो पुल बने, हम वो जरिया बने, हम वो साधन बने कि कहीं पर भी इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाने में हम साधन बने. और हम भी, हमारे मन में भी किसी के प्रति कोई विपरीत भाव आया है या हमने भी कहीं पर मन में दीवार कोई खड़ी कर ली है, जिस तरह से एक और पंक्ति जो कई दफ़ा दोहराई गई है कि मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, वो मुझ तक आएगा तो कैसे आएगा. कि मैं खुद ही दीवार बन बैठा हूँ, मैं खुद ही दीवार बन गया हूँ. वेदर यू आर इन द फेंस और समबडी हैज़ पुट यू आउटसाइड ऑफ द फेंस. तो कई दफ़ा मैं खुद दीवार होता हूँ, कई बार कोई और दीवार बन जाते हैं, मैं उन तक नहीं पहुँच पाता हूँ क्योंकि वो खुद दीवार बने होते हैं, और कई बार मैं दीवार बन जाता हूँ, वो मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं. तो मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, वो शख्स मुझ तक पहुँचेगा तो कैसे पहुँचेगा. तो हमने दीवार नहीं बनना है, हमने पुल बनना है. पुल बनते हैं तो सहजे आए जाए, मिलाप होते हैं, वहाँ पर फिर नज़दीकत हो जाती है. जिस खाई ने हमें दूर किया हुआ था, वो खाई के ऊपर पुल बना दिया गया है. अब इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, बीच में आके मेल, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल, एक दूसरे की पीड़ा हरने वाले, वो फिर अवस्था बन जाती है. तो इसलिए संतों महापुरुषों ने, भक्तों ने हमेशा ही यही एक इंसान को ये बात समझाने के प्रयास किए हैं कि इंसान ये बात तो समझ जा, ये रास्ता विनाश का रास्ता है जो तूने अख्तियार किया है, ये विनाश का रास्ता है, जो हिंसा वाला रास्ता है, जो तशद्दुत वाला रास्ता है, जो जंगों वाला रास्ता है, ये विनाश का रास्ता है. ये विनाश के रास्ते पे हरगिज़ ना चल. लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर वन सेड दैट मैनकाइंड शुड एंड वॉर्स बिफोर द वॉर्स एंड मैनकाइंड. That mankind should put end to the wars before the wars put end to this mankind. This human species will vanish from the face of this earth. तो इस प्रकार से ये विनाश का रास्ता जो अख्तियार किया गया है,
इंसान इस बात को समझ नहीं रहा है, ये नहीं समझ रहा कि दरअसल ये उसी डाली को काट रहा है जिस पे बैठा हुआ है। अरे ओ जलाने वाले, वो तेरा ही था नशेमन जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियां समझकर। कि अपना ही घर जला रहा था गैरों का जानकर। कि इंसान तो समझ नहीं रहा है कि जिस टहनी पर बैठा है उसी टहनी को काट रहा है, अपने पांव के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। तू सोचता है तूने दूसरे के घर को मशाल से जला डाला है, नहीं, तूने अपना ही घर जलाया है। तो इस तरह से ये नादानी ये इंसान लगातार करते चले जा रहे हैं। तो आप भक्तजन महापुरुष सज्जन प्रवृत्ति वाले, वो हमेशा इसी सोच को मोड़ देते आए हैं कि जिस दिशा की तरफ इंसान का ये मुख हो चुका है, इसके मुख को उस तरफ से मोड़ दिया जाए, इसका मुख सही दिशा की तरफ हो जाए। अगर मुख सही दिशा की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ हो गया तो फिर ये मंजिल मकसूद पा जाएगा, फिर ये इंसान बन जाएगा, फिर मोक्ष और मुक्ति इसके हिस्से में आ जाएगी। अगर इसका मुख ही विपरीत दिशा की तरफ है तो कुछ भी अचीव नहीं होगा, बल्कि नुकसान करके यहाँ से जाएगा, इस संसार से अपयश प्राप्त करके जाएगा और पीछे एक ट्रेल ऑफ डेवेस्टेशन छोड़ कर जाएगा। कोसते रहेंगे सारे उसको जो अब चाहे नहीं रहा, लेकिन जो कर गुजर गया यहाँ से वो उसको याद करके भी बेचैनी होती है। तो ऐसी ट्रेल इंसान ना छोड़ के जा, ऐसे कदमों के निशान इस धरती पे छोड़ के जा जो निशानों की पूजा हो, कि वाकई ही ऐसे कदम धरे गए हैं जो भलाई करते हुए धरे गए हैं, जो नेकी करते हुए धरे कदम इस धरती पे धरे गए हैं। एक एक कदम जो धरा गया है इस धरती पे, ईच स्टेप विच वॉज टेकन वॉज फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, फॉर अदर्स, दैट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स वी हैव टू टेक इन आवर लाइव्स। तो ऐसे कदम उठाए जाए। अक्सर हम ये पंक्ति सुनते रहते हैं कि ये कदम उठाने होंगे, तो ये कदम उठाने होंगे, सही मायनों में उठाने होंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये देश क्या, ये विश्व क्या, ये ऊंचाइयों को छुए, कि चारों तरफ राहत की सांस ले जा सके, तो वाकई ही ये कदम उठाने होंगे, इस तरफ मुख करना होगा, इस तरफ रुख करना होगा, इस तरह की रियलाइजेशन लानी होगी, इस तरह की अवेयरनेस लानी होगी, और फिर एक साधन बन जाना होगा कि जिससे औरों को भी सहूलत मिल पाए कि वो भी इस डगर पर चल निकलें, वो भी इस तरह से वो हिस्सा बन जाएं उस कारवां का, जो कारवां जिधर से भी गुज़रता है वो गुलजार खिला देता है, उस कारवां का हिस्सा बन जाए। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन, ये भक्त जन ये पैगाम ये देते चले जा रहे हैं, ताकि समय रहते हुए ही हम अपनी सोच को सही दिशा दे दें, अपने ख्यालों को सही दिशा दे दें, और उस प्रकार से हम जीवन जिएं जो वास्तविकता में इंसान वाला जीवन है, जो एक सच्चे मायनों में एक प्रभु की सुंदर रचना के रूप में है।
वरना तो जैसे पहले कहा कि जो भी ये विपरीत अवस्था का जिक्र हुआ है ये तो उसी प्रकार से है कि बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर ज़माने की, अपने तो हैं अपनापन गायब है। कि इस प्रकार से बच्चे तो हैं लेकिन वो बचपन ही गायब हो गया है जैसे। और ये सेम ह्यूमन स्पीसीज होने के बावजूद कि ये अपने हैं लेकिन अपनापन ही नहीं है, वो ही गायब हो गया है। तो इस तरह से ये अपनेपन का सही मायनों में भाव ये भक्तों का होता है, ये संतों का होता है, ये उनका होता है जो जाग चुके होते हैं। Those who awaken from the slumberness, those who awaken, those who illumine their hearts and souls with the light of divinity, of the true knowledge, वो वास्तविकता में इस प्रकार से वो अपने मन को, सोच को, आत्मा को वो रोशन करने वाले बन जाते हैं। और वही सही मायनों में एक पहचान अपनी बनाते हैं कि वो फिर केवल जिस्म बंदे वाला नहीं है, वो चाल भी बंदे वाली नज़र आती है, फिर वो इंसानों वाली चाल नज़र आती है। इस प्रकार के इंसानी चाल ये चलते चले जाएं, यही एक महापुरुष संत जन भक्त जनों के ये पैगाम हैं। इस तरह से ये जो इंसान एक दूसरे से वैर वास्तव में उलझा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो लगातार कोशिशें चलती आ रही हैं, इससे उभरे। एक पति कहता है कि तू गुलाब का फूल और मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। और आगे से पत्नी कहती है कोठे चढ़ के छाल मार दे, फिर तुम ही सुखी थे मैं भी सुखी। तो इस प्रकार से ये ढंग, सोच, भावनाएं ये किस प्रकार के रूप धारण कर चुके हैं। तो आओ साध संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको जागरूकता दे, ताकि जो आपसे उम्मीद की जा रही है आप भी उसी तरह से उस रास्ते पे चलते चले जाएं जैसे भक्तों महापुरुषों ने जिक्र किया। वाकई इस सोच की ज़रूरत है, ऐसी एक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, ऐसे मानवता की सेवा जिस तरह से की जाती है, जो मिशन जहाँ पर आध्यात्मिक पहलू मजबूत करने में लगा हुआ है, दीवारों को गिराने में लगा हुआ है, वहाँ पर समाज की सेवा भी आप जानते ही हैं कि कितने सोशल सर्विसेज अडेप्ट किए गए हैं, और उसी लड़ी में और भी कितने सहयोग मिले हैं। लाइक वी आर सीइंग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स द टीम ऑफ कायरोप्रैक्टर्स डॉक्टर्स who travel from far and wide and so much efforts they make here to relieve others of their pains. So mission is doing so many social services and we are getting cooperation from so many other quarters, which is always welcome and is to be appreciated. तो इस तरह से ये भी रिकग्निशन लगातार जगह जगह पर मिल रही है। जैसे आपको मालूम भी है कि अभी पीछे ही यूके इंग्लैंड में द मिशन गॉट क्वींस अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज।
तो केवल एक यूके की बात नहीं है, कहीं नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बिकॉज इन दिस पास्ट वन ईयर लास्ट समागम द 67th समागम विच वॉज हेल्ड ऑन 15th, 16th एंड 17th ऑफ नवंबर, जस्ट वन ईयर बिफोर, एंड आफ्टर दैट सिंस जनवरी आई गॉट ए चांस टू विजिट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर. Apart from various states of India, and also in summers I happen to visit Europe, America and Canada. In India, so many states जहाँ पर प्रांतीय समागम हुए, जहाँ पर महाराष्ट्र का समागम हो, उत्तराखंड का समागम हो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का समागम हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जितने स्टेट्स हैं उनका समागम हो, इसके अलावा जो यात्राएं उत्तर प्रदेश की हों या फिर हरियाणा की हो, पंजाब की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, कितने कितने अन्य प्रांतों में भी जाने के मौके मिले, और सभी जगहों के ऊपर यही देखने को मिला कि जहां पर भक्तजन ये मानवता और इंसानियत को मजबूत करने में अपने योगदान दे रहे हैं, वहाँ पर ये समाज की, देश की सेवाएं भी करते चले जा रहे हैं. जो स्वच्छता के अभियान जो हो रहे हैं, मिशन के वॉलंटियर्स किस डेडिकेशन के साथ उसको कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल बनती चली जा रही है. और ज़रूरत ही है स्वच्छता बाहर भी हो, और उससे कहीं अधिक हमारे मनों की स्वच्छता, हमारे मनों की निर्मलता, हमारे मनों में शुद्धता ये स्थापित हो जाए. इसलिए सभी कार्यशील हमेशा बने रहें, यही शुभकामना, यही अरदास प्रार्थना है. तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है. तो इस समागम का ये पहला दिन जो बहुत आनंदमय ढंग से बतीत हुआ है, और आप सभी यहाँ पहुँचे और सब मिलजुल कर यहाँ पर स्वर्गमय वातावरण ये स्थापित कर रहे हैं, और जो सपने देखे गए थे बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा, बाबा अवतार सिंह जी के द्वारा, बाबा गुरबचन सिंह जी के द्वारा, जो लगातार उन्होंने ये तप त्याग और बलिदान किए, जो इस तरह के उत्तम संदेश ही नहीं दिए बल्कि जी के दिखाया, और अभी पिछले बरस तक ही हमने राजमाता जी के जीवन को देखा, इस शरीर इस जिस्म में रहकर किस तरह से उन्होंने बच्चे बच्चे को सत्कार दिया, वो विनम्रता, वो एक हलीमी, वो किस तरह से सबको देखने को मिले, अकीदे और विश्वास इतने परिपक्व ये हमें देखने को मिले. इस तरह की एक बेमिसाल मूरत जीवन की हमें ये देखने को मिले. और अंत में वो पंक्ति कह के दास इजाज़त चाहेगा कि जब कागज़ पर मैंने माँ का नाम लिखा, कलम अदब से बोल उठी, मेरे चारों धाम हुए. कि इस प्रकार से मेरे हो गए चारों धाम, कि जब लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए मेरे चारों धाम. तो इस प्रकार से ऐसे जीवन जो जिए गए हैं, तप त्याग की भावना से युक्त होकर इंसानियत मानवता को मजबूत करते हुए, तो हम भी उसी का अनुकरण करते चले जाएं, उसका अनुकरण करते चले जाएं. सत्संग जी धन्यवाद.